बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इंदौर रोड ममता टॉकीज के सामने गोवंश से भरा ट्रक पकड़ा, जिसे बढ़वा थाना परिषद में लाने के बाद टीआई संजय द्विवेदी के आदेश पर नवघाट खेड़ी स्थित कल्याणी आश्रम में भेजा गया। ज्ञात हो कि ट्रक के अंदर लगभग 70 से 80 गोवंश को क्रूरता पूर्वक भरकर ले जाया जा रहा था, जिसे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा पीछा करते हुए बढ़वा में राज टॉकीज के सामने पकड़ लिया गया। बढ़वा से संवाददाता की रिपोर्ट। अभी कहाँ लाया गोवंश? गोवंश कल्याणी आश्रम पे लाला गुरुजी के यहाँ पे लाया। क्या स्थिति है गोवंश की? गोवंश की स्थिति कुछ तो मरे हुए हैं उसमें, और जितनी भी गोवंश है इनकी कंडीशन बेहोशी की हालत में। क्या नाम है भाई तुम्हारा? मेरा नाम लक्की राव है, बजरंग दल का नगर संयोजक हूँ। अच्छा, ये जो आपने गोवंश से भरा ट्रक पकड़ा है, कहाँ पकड़ा है? मैं काटपुर फाटक पे मैं अपना काम कर रहा था, तो ये ट्रक मेरे पास से निकला तो इसमें से आवाज आ रही थी। अच्छा, तो उसका पीछा करने लगा तो ड्राइवर को रोकने की कोशिश करी, उन्होंने रोका नहीं, अंदर से पत्थर वगैरह मारने लगे। मैं अकेला था उस समय, फिर मैंने अपने कार्यकर्ता हमारे नगर संयोजक सन्नी जी कुवादे को फोन लगाया कि यहाँ से ऐसी ऐसी घटना हुई है, आगे आ रहा है ट्रक, वहाँ पे रोकने की कोशिश करी, वहाँ पे भी मैं अकेला था। उन्होंने उसके जो भी अंदर औजार वगैरह था, चाकू वगैरह, उससे हमला करने लगा तो मैं दूर हट गया। फिर इतने में सन्नी जी आ गए, हमने मिलते फिर ट्रक को रोका, फिर वहाँ की जितनी भी जो पब्लिक वगैरह थी वो सब आए, उन्होंने हमारी सहायता करी और ये ट्रक रुका। अच्छा, ये ट्राले के अंदर अनुमान कितना है गोवंश का? इसके अंदर करीब 70 से 80 गोवंश है डबल पार्टीशन में। अच्छा, और कुछ गोवंशों की मृत्यु भी हो गई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।